What's up guys, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. तो मतलब कि अभी तक कोलकाता में ठंडक नहीं हो रही थी, लेकिन आज शाम को मुझे हल्की हल्की ठंडी लग रही थी. तो मैं बहुत देर तक आज लेटी हुई थी. आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है ये नाइट में, बज रहे हैं रात के 8:30 और हम आ गए हैं किचन में. आज मैंने दोपहर में बनाया हुआ था निम्बूला, क्वान्टिटी देखो इतनी बची हुई है. तो अब समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ में कुछ बनाए या फिर इसी में कहें कि यार ठंडा है खा लो थोड़ा थोड़ा सा, देखते हैं अभी कैसा क्या होता है, कहीं मुझे फिर से कुछ बनाना ना पड़ जाए. और पता है बहुत जोश में मैंने मतलब आज हस्बैंड गाजर लेकर के आए, मैंने बहुत जोश में कहा कि यार गाजर को घिस दो, मैं तुरंत गाजर का हलवा बनाऊंगी. और फिर ऐसा लेटी मैं ना कि ये देखो गाजर घिस करके रखी हुई है और मेरे हलवे का ना अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है. अभी मुझसे पूछा गया तुम्हारा हलवा का है, मुझे याद आया अच्छा वो तो घिस करके रखा हुआ है. तो अभी अब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी बनाए या फिर कब बनाए. और यहाँ पर ठंडक पता नहीं क्यों आ नहीं रही है, इनके करीब नहीं ठंडक पहुँच रही है. राघव के पास है इसलिए राघव ने पहना हुआ है, और सिद्धि के पास भी थोड़ी सी है और मेरे पास भी थोड़ी सी पहुँच गई, अभी यहाँ पर नहीं पहुँच गई. हमें लग रहा है कि ज़्यादा ही हॉट हॉट है. और यहाँ पर यहाँ पर ये देखो बेचारे हलवा नहीं खाने को पाए ना, तो धनिया तोड़ तोड़ के रख रहे हैं. अब ऐसा आप ब्लॉग मेरे देखोगे ना तो लगेगा कि बेचारा मेरा पति कितना काम करता है, पर हकीकत क्या है ना ये तो हम ही को पता है. वही तो मतलब ऐसा हो जाता है कि जब कैमरा आता है सामने ना तो ये काम करते हुए नजर आते हैं, बाकी रियलिटी क्या है वो मुझे पता चलता है. ये स्कूल और राघव वेट कर रहा है दीदी का और हम भी खड़े हैं बाहर. और पापा कहाँ गए राघव? ये क्या है? तो पापा की थी आज मीटिंग और वो तो निकल गए बढ़िया खा पी के लंच में और आएंगे सीधा रात में, डिनर उनका बाहर रहेगा. तो अभी राघव वेट कर रहा है दीदी का. दीदी कब तक आएगी राघव? तो अभी दीदी आएगी और हम सब बाहर खड़े हैं. नहीं आ रही है, लाइट चली गई है और हम और राघव यहाँ पर बॉल बॉल खेल रहे हैं और छुपना है. राघव कह रहा है कि चलो छुप जाओ दीदी आएगी, ढूंढ नहीं पाएगी. वो बाहर से नहीं दिखी दीदी, टाइम लग रहा था. राघव चलाया अंदर और राघव क्या कर रहे हो बेटू? दीदी का वेट करते हुए दीदी के टॉयज के साथ मुझे हो गई है थोड़ी सी सर्दी. ये है वाटर कलर, इससे कलर करेगा क्या राघव? और देखो लाइट आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं और हमारा मशीन ना चल चल के करते हैं. देखो कपड़े अभी भी ना वो खत्म नहीं हो पाए, जो शूज हम लोग लेकर के गए थे उसके बॉक्स रखे क्योंकि शूज अभी वॉश नहीं हो पाए. काम बहुत ही स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है ना कि क्या बताऊं. दीदी कर पाएगी? स्माइल तो देखो इसकी. दीदी आई है और दीदी के आने पे राघव छुपा हुआ है यहाँ पर. और ये दीदी आकर किसको से ढूंढ रही है? कहाँ छुपे हो भाई, निकल जाओ. मुझे लगता है मेरे जैसे यहाँ के. देख लिया देख लिया देख लिया. हाँ मिल गया. आपको पता है मैंने इसको देख लिया था लेकिन छोटा है, करना पड़ता है करना पड़ता है. मेरे ना सामानों पे बिल्कुल भी ना जाना. ये घर से मम्मी ने दिया था चावल क्योंकि मुझे फरा बहुत पसंद है, तो चावल का आटा है वो अभी ऐसे ही है, वो डब्बे तक पहुंचने की नौबत नहीं आ रही है. बाकी सारा सामान ऐसे फैला हुआ है. सब धीमे धीमे होगा, सब धीमे धीमे होगा और एक दिन ऐसा आएगा ना कि सब कुछ अपनी जगहों पर पूरा सेटल्ड मिलेगा. मम्मा मेरे को कल स्कूल नहीं जाना. देखो नया बवाल आ गया. कल स्कूल क्यों नहीं जाना? आज एबेकस एग्जाम दे दिया. एबेकस एग्जाम में कैसे? हम लोग गए थे उसके पहले वो पेपर था, तो कैसे फिर से दे दिया तुमने? तो मैंने कह दिया था मैम आई हैव नॉट गिवन एबेकस एग्जाम, तो मैम ने एट कुछ पापा पूरी फाइल दे देना.
यहाँ पर छुप करके बहुत ही कीमती सामान है जिसे छुपाया जा रहा है, और वो कीमती सामान पता है क्या है? मटर है, क्योंकि मुझे मटर ना बहुत ही कॉस्टली मिली, 120 रुपए किलो मटर मिली मुझे। तो हम उस मटर को देखो कितना छुप करके और आइसक्रीम के डिब्बे में पैक करके रख रहे हैं कि किसी को भनक ही ना लग पाए कि इसके अंदर मटर है। तो ये सब कुछ तो मेरा चलता ही रहता है। पर आप ना चैनल पर नए हो ना तो जाकर के सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। बाय।